हेलो वेलकम। अच्छा, मिड पे जो हम लोग विड्रॉल करते हैं उसके लिए मिड वॉलेट या एरी पे जो भी यूज़ किया जाता है, किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, उसकी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में है। आपने क्रोम, अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना है, वहाँ पे जाके मिड वॉलेट लिखना है। मिड वॉलेट लिख लें या फिर जो आपको लिंक दिया गया होगा उसको प्रेस करें तो डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगी। ये जो ग्रीन कलर में मिड वॉलेट है इसको आपको प्रेस करना है तो एक प्रॉपर एरीपी की या मेटवॉलेट की वेबसाइट है वो खुल जाएगी। इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं मेटवॉलेट क्रिएट करने के लिए, ईमेल और फ़ोन नंबर। ठीक है, मोस्टली ईमेल से बनाए जाते हैं रैंडमली, तो हम लोग ईमेल से ही इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो ईमेल पे प्रेस करें, ईमेल जो आपके मोबाइल के गूगल में जो भी आपका अकाउंट है प्रेफर करना चाहेंगे उस पर वॉलेट बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे सेम टू सेम। और इसमें फर्स्ट वर्ड जो होता है कैपिटल नहीं यूज़ किया जाता, और टोटली स्मॉल इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अपने जीमेल लिख के अपने नेक्स्ट पे प्रेस करना है। इसके बाद आपने अपने, जैसे ही आप नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे तो आपको अकाउंट की जो प्रोफाइल डिटेल्स होंगी वो आपने ऐड करनी है। सबसे पहले अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना है और अपने 6 डिजिट्स का कोई भी अपना पासवर्ड, 6 to 8 डिजिट्स का पासवर्ड सेट कर लेना है। ठीक है, दोनों प्लेसेस पे सेम पासवर्ड 2 टाइम्स लिखना है। लाइक कोई भी आप रैंडमली लिख सकते हैं पासवर्ड, मसला नहीं है अगर आप ऑन द स्पॉट कोई सिंपल सा ही सिलेक्ट कर लें तो बेस्ट है। तो बाकी आपकी जीमेल होती है, आप उसे रीसेट भी कर सकते हैं विद टाइम पासवर्ड। ठीक है, जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। उस पर आपने अपने यहाँ पे जहाँ पे आप ग्रीन टाइमिंग चल रही है यहाँ पे सेंड का बटन होगा, इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो जीमेल जो भी आपने लिखी होगी उस पर कोड आएगा। ठीक है, वो अपने कोड यहाँ पे 6 डिजिट्स का कोड होता है वो अपने यहाँ पे ऐड करना है, देन आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर देना है। तो आपको जो मेट वैलेट है यारी पे अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। तो यहीं पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती, मज़ीद सेटअप भी करना होता है यारी पे के अंदर इसको लेवल अप करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट हम करेंगे अपने बेसिक लेवल से। बेसिक लेवल में यही है कि आपने अपना आईडी कार्ड पकड़ लेना है और आईडी कार्ड पे जो भी आपकी डिटेल जिस तरीके से हैं वो आपने स्टेप टू स्टेप इसमें ऐड करते जाना। जैसे ही आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा आप एंड तक सब डिटेल ऐड कर लेंगे तो कंफर्म पे प्रेस कर देना है। और सेकंड स्टेप इसका जो होता है उसमें आपको जैसे आईडी कार्ड की पिक्चर बना के अपलोड करनी होती है। फर्स्ट स्टेप में आप जस्ट $50 का विड्रॉल ले सकते हैं और सेकेंड में $500 पर डे। नेक्स्ट अकाउंट की सेटिंग में आ जाते हैं तो आपने सबसे पहले अपना पेमेंट पासवर्ड सेट करना है। तो अब पेमेंट पासवर्ड सेट करने के लिए आपको ऐसे ही सेम स्टेप करना होगा। उस पर प्रेस करने के बाद आप अपनी जीमेल पे कोड भेजेंगे, आपको कोड आएगा, आपने यहाँ पर वो कोड एंटर करना है। देन नेक्स्ट, देन आपको वो एक प्लेटफॉर्म देंगे, वहाँ आपने अपना कोई रैंडम एक पेमेंट पासवर्ड कोड रिसेट सेट कर लेना है। वो जब भी आप यहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे वो आपसे वो कोड पूछा जाएगा और आपको वो हर दफ़ा देना होगा। तो कोई ईजी से कोड सेलेक्ट कर लें।